मुजफ्फरनगर से है, जहां पर मुजफ्फरनगर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। आपको बता दें कि हादसे में अनियंत्रित ट्रक अचानक से कार पर पलट गया, जिसमें से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि कार हरिद्वार से दिल्ली जा रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, साथ ही घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर से खबर है, जहां पर कानपुर के टाटमिल रॉयल गार्डन पार्टी लॉन में शादी समारोह के दौरान हुई फायरिंग में गार्डन के सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। सुरक्षाकर्मी का नाम मोहम्मद सादिक था, जिसकी उम्र 35 वर्ष थी। वहीं यह सुरक्षाकर्मी आपको बता दें कि बतौर बाउंसर काम करता था। बाउंसर 7 बार मिस्टर कानपुर तो 1 बार मिस्टर यूपी बन चुका है। बाउंसर को गोली तब लगी जब लोग डीजे की धुन में डांस कर रहे थे। फिलहाल पुलिस गार्डन में लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद ले रही है और मामले की जांच कर रही है। वहीं बीजेपी नेता रामजी गुप्ता से भी पूछताछ कर रही है। दिनांक 25 नवंबर 2022 को थाना रेल बाजार से सूचना प्राप्त हुई कि थाना रेल बाजार स्थित रॉयल गार्डन में बाउंसर का काम करने वाले एक व्यक्ति को हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लग गई है, जिसको उसके साथी व परिजन अस्पताल लेके गए। जानकारी प्राप्त होने पर थाना पुलिस द्वारा मौके पर तत्काल पहुंचकर विधिक कार्रवाई की गई तो ज्ञात हुआ कि उपरोक्त व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में हो गई है तथा सीसीटीवी कैमरा व प्रत्यक्षदर्शियों का बयान अंकित कर जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि उक्त रॉयल गार्डन में रामजी गुप्ता नाम के व्यक्ति, जिसने शादी के लिए जो है रॉयल गार्डन बुक करा था, तथा उपरोक्त बाउंसर्स को भी वह अपनी शादी में लेके आए थे, द्वारा की गई हर्ष फायरिंग में बाउंसर को गोली लग गई। रामजी गुप्ता नाम के आदमी के यहाँ बुकिंग थी भैया, उसके छोटे भाई रजत गुप्ता जी की शादी यहाँ पे थी, समारोह था। उन्होंने अपने पर्सनल किसी अडवाणी नाम के आदमी से 4 बाउंसर हायर किए थे अपनी सुरक्षा के लिए, अपने डीजे के लिए, जिसकी अनुमति 10:30 बजे तक की है थी यहाँ पे। और हम लोग खुद शादी में गए हुए थे हर जगह, और यहाँ पे जब मौके मुझे जानकारी मिली, जब मैं आया तो ये हुआ कि बाउंसर ही से बाउंसर से गोली लगी आपस में।